आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं हूँ ढानू रोड पर और यहाँ से मैं जा रहा हूँ वडोदरा। भाई इंजन एक नंबर है, देश का नंबर वन ऑयल है फॉर्चून। तो भाई यहाँ से मैं जा रहा हूँ वडोदरा, एक हमारी जर्नी शुरू होने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले गाड़ी में जगह ढूंढते बैठने के लिए, चलो पहले। अभी बहुत थकान हो गई है क्योंकि लोकल में वहाँ से पालघर से लोकल में यहाँ पर आए और यहाँ से फिर अभी जाना है वडोदरा। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी है, ग्लोबल वार्मिंग ने पूरी वाट लगा दी है। तो अभी सबसे पहले जाते हैं टिकट लेने, क्योंकि टिकट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि TCB चेक करने आए थे तो उनको बोला कि अभी टिकट लेने जा रहे हैं, अभी लोकल से उतरे। आजकल टिकट चेकिंग बहुत बढ़ गई है तो अच्छा है भाई, क्योंकि कोई फ्री में ट्रैवल ना करना और करना भी मत, गलत बात है ये। तो सबसे पहले टिकट लेकर आते हैं भाई। सो गाइस, मैंने टिकट तो ले लिए, लेकिन ये देखो मिरर की कंडीशन कैसी है। अभी से ही चालू बकवास हुई पड़ी है और टॉयलेट में तो भाई ये देखो अभी से कचरा फैला पड़ा है। सो गाइस, इस गाड़ी का शेड्यूल और टाइमिंग वडोदरा से निकलती है सुबह 6:25 पर और यहाँ आती है 11:00 और यहाँ से चलती है दोपहर को 3:45 पर और वडोदरा 8:30 आपको पहुँचा देगी। तो जब भी आपको वडोदरा जाना हो तो ढानू आ जाना, लेकिन ये गाड़ी यहाँ से अच्छी है क्योंकि यहाँ से खाली ऊपर चलती है, आपको सीट भी मिल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वापी वलसाड़ बिलीमोरा उस साइड जाएगी ना, भर जाएगी फिर। मेरे भाई बच्चे मस्ती कर रहे हैं, भाई गिर जाओगे, अबे गिर जाएगा। ये देखो, ये ऐसा रहा ढानू का रेलवे स्टेशन। अभी नंबर लगाने चल रहे हैं, पेंटिंग चल रही है। देखो ये सब जगह नंबर लग रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगती है गाड़ी। और हाँ, एक बात और, कोचिस की बात कर ले तो 4 रिजर्वेशन कोच है और 16 जनरल कोचिस है। तो बैठने की तो कोई चिंता ही नहीं है, तो रिजर्वेशन जो डेली ट्रैवलर होते हैं ना उन्हीं के लिए है ये गाड़ी। तो आप देख लेना, 16 जनरल के कोच और 4 रिजर्वेशन कोच। बोलो, इस गाड़ी में भी आज रिजर्वेशन चेक किया तो फुल है। वैसे हमको रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से सीट मिल गई है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो, अभी तो 2:53 हुए, ये 53 कैप्चर नहीं कर रहा है कैमरा। सो गाइस, ये देखो ये ठंडा मेरे हाथ से गिर गया, तो ऐसी हालत हो गई इसकी। तो गाइस, अभी मैंने लिए दो, एक थम्सअप स्प्राइट और एक वेफर। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, हालत टाइट होने वाली गर्मी है। तो अभी ये गाड़ी मतलब 3:02 हुए, मतलब अभी 43 से निकलने में। चलो अभी सीधा मिलते हैं डिपार्चर पर। ये देखो गाइस, बेचारा सूख गया है, कुछ खाने के लिए नहीं मिलता बेचारे को। अभी देखो मौसम बहुत अच्छा हुआ है, धूप है ही नहीं, सब जगह छोटे छोटे बादल आ गए। ये ऐसा मौसम अच्छा है, बारिश का ऐसा मौसम हो तो घूमने का क्या मज़ा आता है ट्रेन में। ये देखो गाइस, फाइनली फ़ैन और वो चालू किया, लेकिन ये लाइट बंद करने का बटन किधर है मुझे दिख नहीं रहा है, पता नहीं। ये दोनों भी फ़ैन के ही बटन है, तो अभी से ही सब चालू कर दिया है, लाइट और फ़ैन। फ़ैन तो ठीक है, लेकिन लाइट बंद करनी है। हमारे रेलवे का बिल क्यों बढ़ा है फालतू का? लाइट की अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत लगेगी तब कर देंगे चालू, सही बात है कि नहीं? फालतू का बिजली का बिल, आशीष भाई बोल के ना, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। सो गाइस, सामने आई है बांद्रा टर्मिनल्स वेरावल, ये तो भावनगर वेरावल, दो रैक शेयर करती है ये गाड़ी। इस गाड़ी की भी ट्रेन जर्नी की है हमने, अगर चैनल पर देखनी हो तो आप देख लेना, पड़ी है हमारे चैनल पर वेरावल से मुंबई तक की। चलो गाइस, 3:45 हो गए, लेकिन ये वेरावल गई, उसकी वजह से हमारी गाड़ी को 5 शायद लेट ही छोड़ेंगे। अभी तक सिग्नल नहीं हुआ है गाड़ी का, ये देखो अभी तक सिग्नल नहीं हुआ है, सिग्नल होते ही हम फट कन अंदर चढ़ जाएंगे। अभी तक लाल का लाल ही है। हमारी ट्रेन को और लेट कर दिया गया क्योंकि दोनों साइड सिग्नल पड़े हैं, इस साइड से भी ट्रेन आ रही है और इस साइड से भी ट्रेन आ रही है। बनाओ
अभी इस ट्रैक पर आएगी, सामने सिग्नल ग्रीन हुआ पड़ा है। अभी इस ट्रैक की तो गई, अभी ये ट्रैक पर आएगी ट्रेन। सो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन ढानू रोड से डिपार्चर होती हुई, हम बहुत आगे बैठे, 5वें नंबर का डब्बा है। ट्रेन बहुत लंबी है। भाई साहब अभी सीट मिली है, विंडो सीट, ये वाली सीट में बैठने के लिए मजा है। ये देखो गाइस हमारी ट्रेन कर्व लेती हुई, भाई साहब गाइस कर्व देखो कितना बड़ा है। 20 डब्बों की ट्रेन अभी तक दिख रही है, वो लास्ट का डब्बा अभी तक नहीं दिख रहा है। तो इधर भी सिग्नल रेड है, तो अभी तक इधर से भी ट्रेन नहीं आएगी। वो देखो अभी तक चेंज कर रही है, बोलो अब भी दिखा लास्ट का डब्बा। सोचो कितनी बड़ी ट्रेन है, 20 डब्बों की ट्रेन है, 16 जनरल और 4 अपने रिजर्वेशन वाले और एक इंजन 21। तो हमारा पहला स्टॉप आएगा उमरगांव रोड, तो सीधा मिलते हैं आपको उमरगांव पे। सो गाइज आ चुका है हमारा पहला स्टेशन उमरगांव रोड। सो गाइज यही वो जगह है जहाँ पर रामायण सीरियल की शूटिंग हुई थी, उमरगांव रोड पर। वो तो जगह पता नहीं है कहाँ है, पर यही पर हुई थी ऐसा कहते हैं लोग, कि पता नहीं, कंफर्म नहीं पता। और गाइज सामने आई है मुंबई सेंट्रल पोरबंदर सौराष्ट्र मेल है, शायद सौराष्ट्र मेल या सौराष्ट्र एक्सप्रेस, दोनों में से एक है, सौराष्ट्र एक्सप्रेस ही होगा कंफर्म। ये देखो गाइस सौराष्ट्र एक्सप्रेस लिखा है, हाँ बोला ना सौराष्ट्र एक्सप्रेस, मुंबई सेंट्रल पोरबंदर, पोरबंदर से मुंबई सेंट्रल। हो भाई साहब जनरल के लिए गिलती देखो, बापा अरे बूम बाम हो रहा है, बूम बाम। ये देखो यहाँ भी लाइन लगी है, तत्काल में जितनी लाइन नहीं लगती उतनी तो जनरल में लगी है। गाइस अभी आ चुका है हमारा दूसरा स्टेशन भिलाड़। ये देखो सामने खड़ा है WAP-7, हाँ बूम बाम। वेफर्स खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है, वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं है, खाना भी ठीक ठाक ही बना था, आज ज़्यादा पेट में गया नहीं है। तो चलो अभी मिलता हूँ सीधा आपसे नेक्स्ट स्टेशन पर। सो हमारी गाड़ी को डाल दिया है साइड में, कौन से तभी ट्रेन पास हो रही है, देखो बढ़िया। सो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी इस कौन सा स्टेशन, भिलाड़ आया ना, मैं तो भूल भी गया, भिलाड़ स्टेशन से निकलते हुए। चलो अब इसके बाद कौन सा आएगा देखते हैं बाद में, मुझे भी नहीं पता, मैं भी भूल गया। ये 10 मिनट लेट हमारी गाड़ी निकलती हुई भिलाड़ स्टेशन से, और ये नज़ारा मस्त है, बाजू में ही नेशनल हाईवे और यहाँ पर हमारे रेलवे ट्रैक्स, दोनों के दोनों गुजरात ही जाते हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं वापी रेलवे स्टेशन पर, पब्लिक इतनी ज़्यादा दिख नहीं रही है, पब्लिक हो गई दूसरे साइड पर। सो गाइस हमारी गाड़ी वापस रेलवे स्टेशन से निकल गई है, अभी आएगा नेक्स्ट स्टेशन कौन सा आपको बताता हूँ बाद में। सो गाइस अभी आया है वलसाड़ रेलवे स्टेशन। वंस मोर भाई क्या हॉर्न मारा है भाई, ये जा रही है इंटरसिटी एक्सप्रेस, कोई हाथ ना मार दे मोबाइल को मेरे। तो ये गाड़ी अपना डेली रूटिंग करती है बांद्रा टर्मिनल से सूरत और सूरत से बांद्रा टर्मिनल, उसका टाइमिंग सुबह जाने का है और शाम को इधर से जाने का है, इंटरसिटी एक्सप्रेस। हाँ अभी याद आया इंटरसिटी एक्सप्रेस। भाई साहब बंदे बनाते चलिए, अभी वेट कर रहा हूँ भाई। ओ भाई साहब बिल्डिंग देखो भाई, कितने फ्लैट होंगे इसमें, एक टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 पकड़ लो। अभी वैसे भी सूरत पहुँचने की तैयारी है, अभी आएगा 5 मिनट में सूरत, हमें साइडिंग में डाल दिया है, लेकिन लाइन क्लियर होते ही पहुंच जाएंगे हम सूरत रेलवे स्टेशन।
देखो गाइस क्या बोले, अभी ये है सुपर फास्ट एक्सप्रेस और उस साइड है डेमो, दोनों के दोनों सेम चल रहे हैं। बोलो तो क्या फ़ायदा हुआ एक्स्ट्रा पैसे देने का, वो हमसे पहले आ गई डेमो। शताब्दी एक्सप्रेस गरम गरम हवा है यार। कौन सी ट्रेन है भाई पता नहीं, क्योंकि नाम ही पता नहीं चल रहा। क्या बोला भी। सो गाइस फाइनली पहुंच गए सूरत, और ये सामने सूरत कानपुर ट्रेन जा रही है, सूरत कानपुर। ये सूरत का रेलवे स्टेशन है भाई, सूरत का रेलवे स्टेशन भी बहुत बड़ा है, जैसा मैंने सोचा था उससे बहुत बड़ा है। मैं तो बहुत बार यहाँ पर आकर गया हूँ। और ये है भाई WAG 9 इंडियन रेलवे। भाई ये देखो एक साथ में तीन तीन WAP 5, इसके बाद WAP 4, इसके बाद WAP 7। ओ भाई साहब इनो लाइन में खड़े हैं। भाई साहब ये वाली ट्रेन देखो पेटी पैक होकर चल रही है, बैठने की भी जगह नहीं है अंदर। ये देखो पूरी पेटी पैक होकर चल रही है, और ये रात को विरार तक जाएगी, रात को 9, 9:30 बजे पहुँचेगी विरार। ये देखो चाचा मिराज खा रहे हैं मिराज। देखो भाई साहब मेमू बोलते हैं कि मेमू बोलते हैं, मेमू ही होगा, मेमू MEMU। सो गाइस अभी पहुंच चुके हैं किम रेलवे स्टेशन, और ये आ रही है गाड़ी, कौन सी है पता नहीं। एर्नाकुलम ओखा। भाई साहब कुछ भी कहो यार, एसी के डब्बों में मज़ा आती है, ठंडी ठंडी हवा में सफ़र करना। ये गर्मी के मारे बहुत हालत टाइट हो जाती है, वैसे भी जनरल डब्बे में सफ़र करना इतना आसान काम नहीं है भाई, हालत टाइट हो जाती है। ये देखो भाई कितने सारे लोग उतरे हैं। अभी आया है कोसाम्बा जंक्शन, और इस ट्रैक से आ रही है सुपर फास्ट एक्सप्रेस। भाई सब कुछ भी कहो, रात में रेलवे में सफ़र करने का मज़ा ही कुछ और आता है। काम करना भाई, ना काम करना भाई, हाथ दिखा रहा है। कुछ भी कहो भाई, इंडियन रेलवे में सफ़र करने का मज़ा ही अलग आता है भाई साहब। तो ये भी पिछली वीडियो की तरह दो पार्ट में ही बनेगी, तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, और जितना हो सके उतना शेयर जरूर करना। राधे राधे। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं हूँ कोसाम्बा में, ये ख़त्म होने दो बाद में करते हैं। ये देखो गाइज इंडियन रेलवेज का ये मज़ा है भाई, शाम को जर्नी करो ना तो इतने खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं ना कि क्या बोले भाई साहब। तो ये भी पिछली वीडियो की तरह दो पार्ट में ही बनेगी, तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, और जितना हो सके उतना शेयर जरूर करना। राधे राधे।